गौतम बुद्ध के अपने शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी काम को हटाने की। हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कमज़ोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ, 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा, इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया, साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा, उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला, वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वो लोहा खरीदने बाजार गया, तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया, 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया, तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा कि 1-2 दिन में भाव ज़रूर नीचे जाएगा, तभी खरीदेंगे, किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ। और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैंने कुछ भी सोना नहीं बना पाया, आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ, उसने कहा, तुम जैसे आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वो कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था, साधु पत्थर लेके जा चुका था। उसे अपने आलस्य और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलसी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि आज के बाद आलस्य को त्याग देगा और इसके पश्चात उसने कभी आलस्य नहीं की। दोस्तों, ये वीडियो यदि वाकई आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा।